दोस्तों, मेरा नाम मैं सौरभ पेशा और सौरभ पेशा इन्फॉर्मेटिव चैनल आप सभी का स्वागत है। तो जिन जिन बच्चों ने एसएसजीडी के लिए फॉर्म अप्लाई किया उन सबके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। आप सबके एडमिट कार्ड का स्टेटस शो करना शुरू कर दिया है वेबसाइट के ऊपर। और अभी मैं बता दूं, सारे जोन का स्टेटस नहीं शो कर रहा है, कुछ जोन का स्टेटस शो कर रहा है और कुछ जोन का नहीं कर रहा है। जिन जोन का अभी तक स्टेटस नहीं शो कर रहा है वो कब तक शो करेगा, एडमिट कार्ड आपके कब से डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा और आपका एग्जाम लोकेशन, एग्जाम डेट, पर्टिकुलर पूरे वेबसाइट पे कब तक अपलोड हो जाएगा, उसकी ए टू जेड पूरी जानकारी आज मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। तो फिगर ही क्या है बात जब सौरभ मिश्रा इन्फॉर्म यूट्यूब चैनल है आपके साथ। तो बात कर लेते हैं एसएसजीडी के ऊपर। तो एसएसजीडी का आपने अगर फॉर्म अप्लाई किया तो आप सबको पता है कि इसका पूरा स्टेटस अभी बता रहा है, लेकिन सारे जोन का अभी तक स्टेटस नहीं आया वेबसाइट पे और ये कब तक आ जाएगा और टोटल फॉर्म जो रिजेक्शन होगा दोस्तों कितने लाख बच्चों का फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। उससे पहले अगर आप एसएसजीडी की प्रिपरेशन कर रहे हो तो मैं आपको बता दूं, न्यू एग्जाम के पैटर्न पे दोस्तों चक्षु पब्लिकेशन की तरफ से इसके प्रैक्टिस सेट और गाइड दोनों मार्केट में अवेलेबल है और एग्जाम के लिए बहुत कम दिन बचा हुआ है, आप सबको पता है। तो अभी हमारे लिए पर्टिकुलर प्रैक्टिस सेट बहुत ही ज्यादा जरूरी है, तो हमें प्रैक्टिस सेट लगाना चाहिए और चक्षु पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट लगा सकते हैं, न्यू एग्जाम के पैटर्न पे है। और मैं बता दूं फ्लिपकार्ट बेस्ट सेलर पे ये ट्रेंड भी कर रहा है, 4.5 स्टार की रेटिंग है, बहुत ही अच्छी बुक है। आप चाहो तो इस बुक को परचेस कर सकते हो, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और ये बुक बहुत ही अच्छी बुक है, आप चाहो तो इसे परचेस कर सकते हो। प्रैक्टिस सेट मारना ये बहुत जरूरी है कि इससे हमें एग्जाम का पैटर्न पता चल जाए किस टाइप का एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। तो बात कर लेते हैं दोस्तों, अभी फिलहाल में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और हमारा जो स्टेटस है वो कब तक शो करेगा। देखिए बहुत सारे स्टेट का भी जोन का स्टेटस धीरे धीरे एसएससी की वेबसाइट पे शो करना शुरू कर दिया है। एसएससी ने ऑफिशियली बता दिया है कि अभी धीरे धीरे हम पूरा सारे, मैं बता दूं आज आपका 23 हो गया ना, 24-25 तारीख तक सारे स्टेट का ये मतलब स्टेटस शो करना शुरू कर देगा एसएससी की वेबसाइट पे। तो आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। और टोटल जो फॉर्म रिजेक्शन की बात हो रही है, देखिए हर साल एसएससी ने भी तो 1 लाख से लेकर 1.5 लाख तक फॉर्म रिजेक्ट कर ही देता है, तो इस बार भी ये देखना होगा कि एसएससी कितना फॉर्म हमारा रिजेक्ट करेगा और कितना फॉर्म एक्सेप्ट करेगा। लेकिन मैं बता दूं अभी फिलहाल में आपका एग्जाम लोकेशन और जो आपका एग्जाम का कहां पे आपका एग्जाम होगा, एग्जाम का डेट, लोकेशन जो भी है, एसएससी की वेबसाइट पे अपलोड होना शुरू हो चुका है। धीरे धीरे ये सारे जोन का अपलोड कर देगा और मेरे को लगता है कि 26 तारीख के अंदर ये सारे जोन का ऑल ओवर इंडिया का 26 से लेकर 27 तारीख तक ये सारा स्टेटस शो करना शुरू कर देगा एसएससी की वेबसाइट पे। अभी भी बहुत सारे स्टेट का शुरू मतलब स्टेटस शो कर रहा है एडमिट कार्ड का कि आपका फॉर्म रिजेक्ट हुआ, एक्सेप्ट हुआ। अभी आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, जो ऑल ओवर स्टेट के बच्चे हैं वो अभी स्टेटस शो कर रहे हैं तो एसएससी नॉट वेरीफाइड लिख रहा है, तो आप चिंता मत कीजिए, अभी तक आपके स्टेट का वेरीफाइड होना नहीं शुरू हुआ होगा। बट ये आप मैं बता दे रहा हूं कि ये आज से शुरू हो चुका है और बहुत सारे स्टेट का शो कर रहा है। तो और जो जिन स्टेट का अभी तक शो नहीं कर रहा है उनको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, 26-27 तारीख तक या उससे भी जल्दी 25 तारीख तक आपके स्टेट का शो कर देगा एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर और आपका एग्जाम डेट और पूरा दोस्तों एग्जाम टाइम सारा कुछ शो कर देगा। तो जिन बच्चों का भी डर है, डरने की कोई जरूरत नहीं है, अगर आपने अच्छे से फॉर्म अप्लाई किया है तो आपका फॉर्म एक्सेप्ट हो जाएगा और एग्जाम का डेट भी आपको मिल जाएगा। अभी दोस्तों ज्यादातर हमें इंपॉर्टेंट देना है, जिन बच्चों का दोस्तों कुछ गलती कर दिया था उन लोगों को डर लग रहा है और डर तो मेरे को भी लग रहा है, तो क्या कर सकते हैं, डर से डरेंगे तो पढ़ाई नहीं कर पाएंगे। और बहुत जल्द और एडमिट कार्ड कब से डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा इसके लिए बहुत बच्चों को चिंता था, तो मैं बता दूं एग्जाम से दोस्तों 5 से 6 दिन पहले एडमिट कार्ड रिलीज कर दिया जाता है। तो अगर आपका एग्जाम मैं बता दूं 10 तारीख को होगा तो 6 तारीख तक आपका एडमिट कार्ड आ जाएंगे। अगर आपका एग्जाम मतलब जो जो भी डेट में होगा, तो मैं बता दूं 5 से 6 दिन के आगे एडमिट कार्ड स्टेटस शो करना मतलब एडमिट कार्ड पूरा आ जाता है, तो आप उसको 6 दिन पहले एडमिट कार्ड आराम से डाउनलोड कर सकते हो। 5 से 6 दिन पहले आपका एडमिट कार्ड आ जाता है, जो भी आप एग्जाम देने जाओ 5 से 6 दिन पहले एडमिट कार्ड रिलीज कर देते हैं। तो अभी फिलहाल आपका स्टेटस शो कर देगा वेबसाइट पे कि आपका एग्जाम डेट कहां पर है और कौन से डेट पे आपका एग्जाम होने वाला है, कहां पे आपका एग्जाम लोकेशन क्या है, वो सब शो कर देगा और एडमिट कार्ड आपके 5 या 6 दिन पहले, एग्जाम के 5 या 6 दिन पहले वेबसाइट पे आ जाएंगे, आप उसको डाउनलोड कर लेना। तो अभी आपका फिलहाल यही बहुत बड़ी खुशखबरी है कि आप सबका एडमिट कार्ड स्टेटस एसएससी रिलीज करना शुरू कर दिया है। तो आज जिन जोन का अभी तक नहीं आया हुआ है, डरने की कोई जरूरत नहीं है, 2 से 3 दिन के अंदर या कल भी आ सकता है, कल या परसों तक भी आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं, आज शाम तक भी एसएससी सारे जोन का डाल सकता है। तो एसएससी डालना शुरू कर दिया वेबसाइट पे, तो आप जाके उसको चेक कर सकते हो अपने स्टेटस को। और कंटेंट अभी नॉट वेरीफाइड लेकर डरने की कोई जरूरत नहीं है। और अगर आपका एक्सेप्ट कर लिया गया है तो आप बताइए कि आपका एग्जाम डेट कब है और कमेंट जरूर कीजिएगा अगर आप लोग में से किसी का एक्सेप्ट कर लिया होगा। और डरने की जरूरत नहीं, जिन लोगों ने गलती किया था भरोसा रखो कुछ तो भगवान हमारे लिए भी अच्छा करेंगे, ठीक है।
तो अपने ऊपर भरोसा रखना है और कष्ट पड़े कठिनाई आए पीछे पांव मत रखना। कांटों में गुलाब खिलते हैं, कांटों से क्या डरना, समक्ष पर्वत हो सागर हो, साहस कभी ना खोना, जितना तपता है उतना ही एक चमकता सोना, हार जो कभी नहीं मानता जीत उसी की होती। तो हार नहीं मानना जिंदगी में, लड़ते रहना है और बहुत जल्द आपके SSC का एग्जाम डेट भी आ जाएगा, किस डेट को आपका एग्जाम होने वाला है, और जो आपके मन में डर बैठा हुआ है वो डर का दोस्तों खात्मा भी होगा, अच्छा नंबर भी लेके आओगे, आपका जॉब भी होगा, आपके मम्मी पापा का नाम भी होगा, आपके मम्मी पापा को आपके नाम से जाना जाएगा, बहुत जल्द वो दिन आएगा। बस उस दिन की कामना करो और अपने ऊपर भरोसा रखो, अपने भगवान के ऊपर भरोसा रखो और कुछ ना कुछ तो होगा आपके साथ, बहुत ही अच्छा होगा। और मैं बता दूं टेंशन की कोई जरूरत नहीं है, 2 से 3 दिन के अंदर सारे जोन का एडमिट कार्ड का स्टेटस शो करना शुरू कर देगा और एडमिट कार्ड 5 से 6 दिन पहले वेबसाइट पे आ जाता है, आप उसको डाउनलोड कर सकते हो एग्जाम से पहले। तो फिगर ही क्या है बात, जब सौरभ मिश्रा इन्फॉर्म वीडियो चल रहा है आपके साथ। और भी अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, आप मुझे और इंस्टाग्राम फॉलो कर सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। मिलते हैं आपको दूसरी वीडियो में ऐसी वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत, बोलो भारत माता की जय, वंदे।